फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह से मैं आई हूँ पार्लर पे, पर थोड़ा सा बिजी चल रही थी तो फेस ऐसा का ऐसा। मैं घर से ऐसे ही निकली थी तो अब मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ फेस पे। तो ये प्राइमर लगा रही हूँ मैं। फेस पे प्राइमर लगा लेती हूँ मैं। बहुत दिनों से गाइस फेस पे कुछ भी नहीं किया है, तो इस तरह से प्राइमर लगाया है। उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। क्योंकि बहुत ड्राई लग रहा था और लिप्स बहुत ड्राई लग रहे हैं, फाउंडेशन है तो थोड़ा सा। आपको पता है मैं ज़्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ, पर अब मैं थोड़ा सा फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। बस तो ये फुल डे का मेरा, इसके ऊपर मैं कोई कॉम्पैक्ट नहीं लगा रही हूँ। काजल मैं घर से लगा के निकली थी और अब मैं सिर्फ लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। और आज लिपस्टिक का मैं ये वाला शेड यूज कर रही हूँ। देखती हूँ दो में से कौन सा शेड यूज करूँ। मैं ये वाला शेड यूज करती हूँ क्योंकि ये वाला शेड अच्छे से बैठेगा। क्योंकि ड्रेस मैंने ऑरेंज कलर का पहना है तो ऑरेंज कलर के ड्रेस के साथ रेड वाला अच्छा जाता है। और ये थोड़ी ऑरेंज शेड की मेरी लिपस्टिक है तो रेड के सेंटर पे मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर का शेड मार देती हूँ। गाइस कभी कभी ऐसी डबल शेड की लिपस्टिक अच्छी दिखती है ना। तो ये मेरा लिपस्टिक का शेड हो गया है। गाइस देखिए मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है और बस बालों को थोड़ा सा अच्छे से कर लूंगी तो मेरा मेकअप कंप्लीट है इस तरह से। तो बस कब से इतना शूट करने के लिए बैठी थी लेकिन क्लाइंट पे क्लाइंट आ रहे थे तो थोड़ा सा मुझे डिले हो गया। और मॉर्निंग में मैं आई तो एक क्लाइंट थी जिसको मुझे हेयर स्टाइल करनी थी तो मैंने उसका हेयर स्टाइल किया, पर थोड़ा सा वो क्लाइंट बहुत चूजी थी तो थोड़ा हेयर स्टाइल करने में टाइम लगा क्योंकि एक बार किया फिर एक बार वापस से छोड़ना पड़ा। उसका फेस थोड़ा सा उसको ब्रॉड लग रहा था तो मैंने
फिर से उसको छोड़ दिया हेयर स्टाइल, और फिर मैंने बोला आप कुछ मत बोलिए, मैं मेरे हिसाब से करती हूँ, आपके हिसाब से नहीं सूट हो रहा है, मैं मेरे हिसाब से। तो जब मैंने मेरे हिसाब से उसको करके दिया पार्टिंग वगैरह, तो उसको वो अच्छा लगा। तो बस गाइस चलिए मैं आपको मेरे पार्लर का एक लुक बता देती हूँ। ये देखिए पूरा गाइस, मॉर्निंग में मैंने एक मसाला बनाया और रोटी बनाई है, तो उसकी क्लिपिंग्स में थोड़ा सा आपको इसके साथ ऐड कर रही हूँ। उसके बाद कल हम लोग ने एक हेयर स्टाइल की थी, जो मेरी क्लास की स्टूडेंट है, उसको एक शादी में जाना था, तो उसका उसका हेयर स्टाइल है, तो उसका क्लिपिंग में इसके साथ ऐड कर रही हूँ। ओके गाइस, तो वो सब आपने देख लेना है। अब चलिए तो मिलते हैं वो दो क्लिपिंग देखने के बाद। तो गाइस आज है संडे और आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा करी। तो उसके लिए मैंने अंडे बॉईल कर लिए हैं और मसाला रेडी कर लिया है। मसाले में मैंने लिया है ऑनियन, टमाटर, हरी मिर्ची काटी है और कोरिएंडर काटा है, और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट। और गाइस मैं कल टमाटर लेके आई थी, देखिए तो ये टमाटर देखिए इस तरह से टमाटर, ये सब ये गाउठी टमाटर है, तो इस तरह से पूरे टमाटर बहुत मस्त मिले हैं मुझे एकदम ग्रीन वाले। तो चलिए अब बना लेते हैं अंडा करी, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। उभं जास्त बरं वाटेल, फ्रेंच रोल बनवणार आहे ना मागे बन लावून, तर उभंच बरं वाटेल आहे ना तो काय। हे बघ बन पण आहे, हे पण आहे, हे तर हे बघ किती मस्त आहे। तू कर ना, मी कुठे टाकलाच आहे, मी टाकला नाही मिळत आहे व्हिडिओ, फक्त मोबाईल ऑन आहे, त्याला काय पैसे नाही लागत, नेट पण नाही संपत। अरे मागे लागणार काहीतरी, मागे लागणार ती साईडला, वन साईड कोलस ती लग्नात ही ही ही, मग ती एका साईडला लावू शकतो ना आपण, ही आरामात लावू शकतो आपण एका साइडला। हे बघ मस्त आहे, हे बघ दोन दोन ऑप्शन आहेत तुझ्याजवळ, तू ह्याने करू शकते, दाखवा ह्याने करू शकते हे फ्रेंच रोल, किंवा तुला हे समजते का, ह्याने समजते, ह्याने मस्त होणार बघ, ह्याने पण मस्त होणार, मग कुठला ट्राय करते ते सांग मला। इतला फोनवर सांगितलं, हो सांगितलं ते माहित आहे, पण
असतं ते आतमध्ये घुसवायचे, केस घुसवले असते पण व्यवस्थित आलं पाहिजे. खालतून नको असं वरती, हां वरती घे काढ केस, आता ते खालती घे, खालती घे, खालती घे, आता फिरव. नाही ना फिरा फिरव. बघ बघून लाव, त्याचा शेप नको बिघडव. हे इकडे जरा बिघडलं ना ते ना लावून. नको फिट राहील तर मग ते व्यवस्थित त्याला कव्हर करून नको. इकडनं हे तीन हे टाकते, तीन फिड करते. बस जरा जेवढ्या तू युपीन लावशील ना तेवढं ते जास्त खराब वाटते, त्यापेक्षा व्यवस्थित आहे. राहू दे, फक्त साईडला वेणी लाव, वरती वेणी लावून बघ, वरती लाव साईडला, पेक्षा वरती तिकडे ना तिकडे आतमध्ये आतमध्ये. हां पण हे व्यवस्थित दिसलं बघून. नाही चांगलं दिसतंय हे बघ, आता वेणी आल्यावर हे पण मस्त तर वाटते, छान वाटते बघ. इथून छान वाटते, इथून हे ते राहू दे ना त्याला. जर घट्ट करायला लागेल ना तर उघडून जाईल ते पिना मारणार तर. तो गाइस आशा को जाना है एक शादी में, तो हम लोग उसका हेयर स्टाइल करके दे रहे हैं. उसे एकदम सिंपल सा हेयर स्टाइल चाहिए था, इसलिए सादा सा जूड़ा बना दिया है. तसेच राहा आता, तो गाइज आपको ये हेयरस्टाइल कैसा लगा? एकदम इजी और फटाफट आप घर पे कर सकते हो. तो गाइस आपको हेयर स्टाइल कैसी लगी? हेयर स्टाइल तो ज़रूर से अच्छी लगी होगी क्योंकि अच्छा डेकोरेशन था उसमें. और फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको कुछ नया सिखाती हूँ जो मेरी एक क्लास की स्टूडेंट ने अच्छे से वो पर्स बना रही है. तो वो पर्स की कैसे नॉट करने की वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. अगर आपको
किसी को आता होगा तो थोड़ा सा वो कर सकते हैं। और उसने एक मोबाइल कवर भी हाफ आपके लिए बना के दिखाया है, तो उसका क्लिपिंग्स मैं आपको इसके साथ ऐड कर रही हूँ गाइस, तो आप वो देख लीजिएगा। पर आज तो संडे है, ये मैंने सब सैटरडे को शूट किया था और वो सब मैं आपके लिए बचा के रखी हूँ। तो आप मुझे दिल किया कि मैं आपको बताऊं, ये नया कुछ है। पहले कि हम लोग पहले ना इस तरह से बहुत सारे पर्स वगैरह बनाते थे, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ नया है तो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूं। तो गाइस देखिए, सिर्फ मैंने लिपस्टिक लगाया और थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया तो फेस कितना क्लीन लगने लगा एकदम से। तो गाइस चलिए, आप पहले वो सब तार से वायर से कैसे सब ज्वाइन करके नॉट बनाते हैं और उसकी पर्स बनाते हैं, तो वो आप मेरे स्टूडेंट का जो क्रिएटिव वर्क है वो देख लीजिए। और फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। ओके, काय बनवणार आहे? बॅग मग ह्याच्याहून मग तू काय काय बनवू शकते? काय बनवू शकते? हे काय आहे? हे आहे काय? धागा काय? मॅक्रेम। मॅक्रेम गाइस, इसको मॅक्रेम बोलते हैं। और इससे आप रस्सी जैसा आता है, इससे आप कुछ कुछ पर्स बैग सब बना सकते हैं। मापाची कट करायची, मापाने किंवा अंदाजाने नंतर ते जॉईंट करायला लागतं ना आपल्याला। ते कुठे मिळेल? नॅचरली घरात तर नाहीच मिळणार, दुकानातच मिळेल। पण कोणाच्या दुकानात? हार्डवेअरच्या? कोणाच्या? फॉल भेटतो ना ज्या दुकानात, तोरण बनवू शकतो, कंदील फुलं ठेवायला, फ्लॉवर वगैरे बनवू शकतो। एवढे बेटा मला स्टूल दे जरा बसायला। पहिला गाठायला तो असा लिहायचा, दुसरा ह्याच्या खालून असा काढायचा, अशी गाठ पडते। सेम तसंच या साईडने टाकायचं असते। ओ बाई, तू एवढी फास्ट करशील तर माझ्या व्ह्यूअर्सला कसं समजेल? म्हणजे असं एक साईडला धागा ठेवायचा, हा धागा आहे ना ह्याच्या खालून असं काढायचा, या दोन धाग्यांच्या, आणि मग ही एक गाठ झाली आणि पुन्हा ही या साईडून ठेवायचं आणि हे आहे ना ह्याच्यावरून असं स्कूबी कधी बनवले, स्कूबी सारखं बनवतं ते, आणि अशी गाठ असते। हे दोन कलर मध्ये झालं, सिंगल कलर मध्ये, डबल कलर, खूप कलर्स यूज करून आपण काय करू शकतो। ही साधी सिंपल शेप आपण दोन साईडून गाठणार नाही, वहिनी जरा पकडा पण असं, आणि फक्त ही या साईडून एक साईडूनच गाठणार आहे। डीएनए सारखं तयार होते, एक साईड गाठी, फक्त एक साईड। मी बॅग आणले ना, बॅग दाखवत असे मला दाखवायला। तू मध्ये एक साईड ने गाठ का घेतली? मध्ये अच्छा म्हणजे अशी डिझाईन तयार होईल, अशी वेगळी डिझाईन। हे जॉईन केलेले धागे आहेत उरलेले, असं पूर्ण हा वेस्ट नाही जात, यूज होतो कट करून जॉईन करून। ही वन साईड गाठ आहे, वन साईड गाठ की तिका अशी डिझाईन येते आणि दोन साईड की तिका अशी डिझाईन येते। गाइस देखिए, इतना आधा उसने वन साइड दोनों साइड किया है और यहाँ पे ये डिजाइन करने के लिए वो वन साइड से कर रही है।
तो गाइस ऐसे आप करके आप इस तरह से ऐसी पर्स बना सकते हैं। देखिए जॉइंट कर, ओके तो ऐसे जॉइंट कर देने का चिपक जाता है, मुझे कमी पड़ रही है। ओके हाँ तो गाइस इस तरह से देखो ज़रा, इस तरह से ऐसी बैग उसने बनाई है। देखिए बहुत सुंदर सी बैग बनाई है। और अभी जो उसने बताया है ये वाला बताया। तो गाइस आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, अगर आप ऐसी बैग बनाओगे तो मुझे कमेंट्स करके बताना हाँ। ओके और ट्राई करना, इसने इसमें अच्छे से मोती वगैरह भी लगाए हैं। देखिए मोती डाल के थोड़ा स्टाइल भी बताया है। ये हैंडल है उसका, ये पर्स ओपन हो सकती है इस तरह से, और ये अंदर अंदर पर्स है। देखिए उसी तरह से गांठ मार मार के, ये देखिए गांठ मार मार के उसने इस तरह से पर्स बनाई है। तो ह्याला असं हे स्क्वेअर घेऊ शकतो आपण, स्क्वेअर असं मोठं जसं पाहिजे तसं होईल। ओके गाइस पूरा तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। अब आप थोड़ा सा ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। किचन वगैरह, एक किचन भी बना सकते गाइस इस तरह से। ये हाफ बनाया है, ये हाफ बनाया है, इस तरह से आप किचन उसको बना सकते हो। देखिए ये आप मेरे सर, सॉरी एक मिनट, गाइस देखिए किचन इस तरह से आप बना सकते हो, इधर नीचे मोती लगा सकते हो। गाइस ये देखिए मोबाइल कवर बना रही है उसी तरह से, जैसे वो गांठ बताया था ना उसी तरह से, ऐसे हैंडल बना के उसमें इस तरह से मोबाइल कवर आप बना सकते हो। हम लोग इस तरह से पहले बहुत बास्केट पर्स वगैरह बहुत बनाते थे। उतने धागे नहीं है गाइस के पूरा कंप्लीट हो सके, छोटा सा बन रहा है, पर ये सिर्फ आपको गांठ कैसे मारने के उसके आइडियाज बताते हैं। अब इसको जॉइंट लाइटर नहीं करते ना, आप इसको जॉइंट कट करके ना लाइटर से जॉइंट कर सकते हो पूरा, और अच्छे से जॉइंट हो जाता है। ये धागा इसी तरह से है जो आग से जॉइंट हो जाता है। और ये देखिए उसने हैंडल भी इस तरह से रस्सी गोल करके इसको हैंडल बना के उसको जॉइंट किया है ना, तो हेलापन इसको भी जॉइंट कर दिया है लाइटर से, और फिर आगे धागे लेके इस तरह से उसने ये गांठ का डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया है। तो आप इसमें मोबाइल आराम से रख सकते हो और मोबाइल कवर एकदम मस्त बन जाएगा ये। तो गाइज ये मोबाइल कवर का आइडिया आपको कैसा लगा? तो गाइज देखा आपने, आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट्स करके बताइएगा। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और अब शाम हो गई है और चलिए अब मैं थोड़ी देर में पार्लर से निकलूंगी, और रास्ते में से देखती हूँ कुछ चाइनीज में लेती हूँ और घर जाती हूँ। तो गाइस बस ये था मेरा पूरा दिन का वीडियो जो मैंने आपके लिए शूट किया था, मतलब सैटरडे वाले दिन का वीडियो था, हेयर स्टाइल और ये सब जो मैंने आपके लिए शूट किया था। पर आज है संडे और आज मैं ये वीडियो डालूंगी। तो चलिए अब मिलते हैं बाद में। ओके
गाइस आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर से कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और अच्छी सी गुड एनर्जी के साथ। मैं दूसरा कल का व्लॉग बनाऊंगी, तो चलिए गाइस ये वाला व्लॉग मैं अब आपके लिए अपलोड कर देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय बाय।